अरे यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ओ भाई साहब ये क्या हो गया, और ये भाई क्या पंच मारा यार, मजा आ गया यार टैंक को। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये लो हा हा हा, आया ना मजा हा 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 हा। तो यार आपको ये गॉडज़िला बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा हो, देखो भाई कितना ज्यादा बड़ा है, पर ये सही में बड़ा नहीं है, ये देखो कितना ज्यादा छोटा है यार, ये तो एरिविकी भाई ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है यार। अब मैं वही तो बोल रहा हूँ यार, बड़े तो हैं इसके दादा और दादी, देखो भाई कितने ज्यादा बड़े यार, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, इनके सामने तो सिर्फ इनकी पूछो पे खेलता है अभी तो। एरिविकी भाई पूछो में कैसे खेलता है दिखाओ ना यार, अभी नहीं खेल रहा वो, अभी तो खेल के बैठा है। तो गाइस यार ये है गॉडज़िला के दादा और दादी, और ये हमारा छोटा गॉडज़िला, और आप सोच रहे हो कि इसके दादा दादी तो इसके मम्मी पापा तो होंगे ही, हाँ तो इसकी मम्मी पापा भी है, पर वो भी बहुत ही ज्यादा तगड़े काम करने गए हैं। तो गाइस यार इसके मम्मी पापा गए हैं यार अपने अंडे छुड़वाने यार, एक है ना स्पेस से गॉडज़िला आएगा बहुत ही ज्यादा तगड़ा यार, वो सारे के सारे इनके अंडे चुरा के चला गया है, उन अंडों में से एक गॉडज़िला तो अपना भाग गया था, छोटा गॉडज़िला उसमें से और भी गॉडज़िला भी आने बाकी थे, तो और छोटू गॉडज़िला को पता भी नहीं है कि उसकी मम्मी पापा कहाँ पे गए, अब देखते दादा दी उसके क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि अपने मम्मी पापा के साथ खेलना है। चलो ना यार खेलते हैं, मजा आएगा यार। अरे बेटा तुमको तो पता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता यार। अरे हाँ बेटा तुम्हारे मम्मी पापा आए फिर खेलना उनके साथ। अरे पर वो कब आएंगे यार, मुझे उनके साथ खेलना है, जल्दी उनको बुलाओ ना। अरे बेटा तुम खेलो, वो अभी आ जाएंगे, थोड़ा काम करने गए हैं वो। तो गए यार दूसरी तरफ उसकी मम्मी पापा यार अपने बहुत ही ज्यादा तगड़े गॉडज़िला से लड़ने गए हैं। अरे मेरे अंडे दे दो वरना तुम बहुत बुरा पिटोगे, हम दोनों तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों पिद्दी मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये जो तुम्हारे अंडे उनको तो मैं ऑमलेट बना के खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। हम तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने देंगे, हम दोनों तुमको मिलके बहुत मारेंगे। तो आ जाओ फिर हो जाए मुकाबला। अरे यार जब तक मम्मी पापा आते तब तक मैं अपनी बॉल से खेल लेता हूँ, मेरी बॉल तो नीचे गिर गई है, रुको मुझे लेके आना पड़ेगा। तू कोई सर अपना छोटा गॉडज़िला अपनी साइकिल पे जा रहा है मस्त यार अपनी बॉल लेने, उसको तो पता ही नहीं उसकी मम्मी पापा यार बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में, क्योंकि जो यार वो स्पेस गॉडज़िला वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसकी मम्मी पापा तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं उसके सामने, अब देखते हैं वो कैसे लड़ते हैं, उसका मुकाबला कैसे करते हैं। मेरी बॉल तो ऊपर चल गई यार, मैं थोड़ा नीचे आ गया। अरे विकी भी यार तो मस्त बोले यार, मुझे भी ऐसे दिलाओ ना यार। अबे शिनचैन यार पागल है क्या यार, इस फालतू बात कर। और अब आता हूँ ऊपर आओ। अरे आता हूँ हेलो हेलो दादी, बोलो बोलो क्या हो गया। अरे मैं आ गया, अरे ले 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 ये क्या हो गया। अरे मैं तो गिर गया यार, मेरी साइकिल गिर गई। अरे बताओ बताओ कोई तो बताओ, अरे ये क्या हो रहा है यार, मेरे साथ बचाओ कोई तो। अरे मुझे लगता है यार बहुत दिल लगता है, दिल दौला बहुत दिल है, बहुत दिल दौला है मुझे यार, क्या करूँ। तुम दोनों नहीं बचने वाले, ये लो आह का आह का, आया ना मजा, मेरी पूछ नहीं तुमको इतना दूर भेज दिया, तुम क्या करोगे मेरा, ये लो तो गाइस आप देख सकते हो यार स्पेस गॉडज़िला ने तो उनके मम्मी पापा को दोनों को मार दिया यार एक ही बार में यार, वो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है यार, इसने लगता है अपनी पावर सारी एक्टिवेट कर ली, पूरे का पूरा मौसम बदल दिया भाई इसने, क्या कर दिया यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी अभी इनको मारा, इनके ऑमलेट खाऊंगा, फिर इसके जो छोटा बच्चा है पृथ्वी पे उसको जाके भी खाऊंगा। A few minutes later. खबर लाया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे बोलो क्या खबर लाए हो? खबर लाया हूँ, स्पेस गॉडज़िला ने तुम्हारे बेटा बेटी को मार दिया, तुम्हारे छोटे गॉडज़िला के मम्मी पापा मर गए। अरे ये कैसे हो गया तुम्हें कैसे पता? अरे कहाँ मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ, वो भी आ रहा है तुम्हारे छोटे गॉडज़िला को मारने, जल्दी उसको छुपा लो, वो तुम्हें तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि तुम बहुत बड़े बूढ़े हो, उसको बचा लो जल्दी से वरना उसका भी खा जाएगा। अरे ठीक है हम उसको बचाते हैं। चलता मैं अगली खबर लेके आऊंगा बाद में, चलो चलो बाय बाय। अरे बेटा तुमको यहाँ से जाना होगा। अरे मैं तो जाऊंगा यार, मैं तो इधर ही लेता हूँ यार। अरे बेटा बोला तुम यहाँ से जाओ। अरे मेरे मम्मी पापा आएंगे, मैं उनके साथ जाऊंगा। अरे बोला ना यहाँ से जाओ, वो कभी नहीं आवेंगे यहाँ पे, निकलो यहाँ से। One eternity later. तो गाइस यार अभी 10 साल बीत चुके हैं और गॉडज़िला को पता चल चुका है उसकी मम्मी पापा मर चुके हैं, अब यार वो देखते क्या करता है यार, उसको अपने अंडे भी बचाने होंगे यार, अभी तक उस गॉडज़िला ने लगता है उनके अंडे को नहीं खाया है यार, और ये जा रहे हैं अभी अपने सबसे बड़े गॉडज़िला गुरु के खोजने में, जल्दी खोजते हैं। तो गाइस यार अपना गॉडज़िला गुरु इसको मिल चुका है, जो यार इसको बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर्स देने वाला है, ताकि यार ये गॉडज़िला उस स्पेस गॉडज़िला से बदला ले सके। ये देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है, इसका तो गर्दन दिख रही है, इसलिए लगता है गर्दन से ही बात करना पड़ेगा। आइला तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे, मुझे पता चला है तुम्हारे मम्मी पापा मर गए, तुम उसका बदला लेने आए हो। अरे हाँ मैं वही बदला लेने आया हूँ यार, मुझे बताओ क्या करना है, मैं उस स्पेस गॉडज़िला को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मैं तुमको ऐसा
कर दूंगा तुम स्पेस गॉडज़िला की छुट्टी कर दोगे। वैसे तो मैं भी स्पेस गॉडज़िला से लड़ा हूँ पर मैं बहुत पिटा था। अरे फिर मैं कैसे बचूंगा यार उनसे? ओयला तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत खतरनाक कर दूंगा। और करो और करो। तो गाइस यार यहाँ पे आप देख सकते हो यार अपने गॉडज़िला की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और ये उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देगा। उसके बाद कितनी सारी एक्सरसाइज करा रहा है और उसको बहुत ही ज्यादा लगता है पावरफुल बना देगा। और गाइस यार गुरु गॉडज़िला ने इनको बोला है 10 साल यार पूरा प्रणाम करने के लिए संन्यास लेना होगा इसको 10 साल, फिर जाके इसको बहुत ज्यादा तगड़ी पावर्स मिलने वाली है। हाँ गाइस यार इसको पूरे 10 साल यार ऐसे ही बैठना होगा यहाँ पे संन्यास लेके यार, तभी इसको मिलेगी सबसे ज्यादा तगड़ी वाली पावर्स ताकि वो स्पेस गॉडज़िला से लड़ सके। है विकी भी है यार, वही तो मैंने बोला है। तो गाइस यार जैसा कि गुरु गॉडज़िला ने बोला था यार अपना 10 साल बाद अपना गॉडज़िला देखो कैसा हो चुका है यार, इसको तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर्स मिल चुकी है और आप पहचान भी नहीं पा रहे कितना ज्यादा खतरनाक हो गया। अभी देख सकते हो इसके पास कितनी ज्यादा तगड़ी पावर्स आ गई, ये तो कुछ भी कर सकता है यार, पूरे प्लेन की प्लेन उठा उठा के फेंक रहा है यार, मिलिट्री बेस में आ चुके हैं अभी हम यहाँ पे। और ये देखो भाई क्या पूरा प्लेन का प्लेन उड़ाती है, इसके पास तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर्स आ चुकी है। अरे भी अब तो यार वो स्पेस गॉडज़िला को मार देगा ना यार। अबे भाई पता नहीं है पर स्पेस गॉडज़िला भी तो ज्यादा तगड़ा हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अरे यार विकी भी यार वो तो बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया यार। पर यार ठीक है यार इसके पास कितनी ज्यादा तगड़ी तगड़ी पावर्स आ चुकी है यार, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे मम्मी पापा को मारा और मेरे भाई लोग भी उसके पास है, उसके पास मेरे भाई लोग के अंडे, मैं उनको छुड़वा के रहूंगा कैसे भी करके। अरे चिटकुट यहाँ पे क्यों आ रही है, तेरे को बताता हूँ मैं, याले आया मजा याले, उसको बस आने दो, उसको आज बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। आजा स्पेस गॉडज़िला किधर है तू, आजा। ओम क्रीम प्रेम ओम ट्रीम ट्रीम शोम। तो गाइस यार ये गुरु गॉडज़िला ने उसको मंत्र बताया था यार स्पेस गॉडज़िला को यहाँ पे बुलाने का, और वो सही में अभी क्या किया यार, अबे लेजर किसने फेंका और ये इतना छोटा कैसे हो गया यार, अबे ये क्या रूप बदल के आया क्या शिनचैन? अरे फेंकी पे मुझे भी यही लग रहा है। अबे तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, तू कैसे भी आ जा, अबे इतना छोटा बन गया तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला मैं, आ जा मेरे से लड़ ले। ये तो तुम्हारी दुनिया है, मेरी दुनिया में आओ फिर तुमको बताता हूँ। ओ हो मुझे फेंकोगे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी दुनिया में तो चलो। अरे मैं तेरे को अब तक किसी दुनिया में नहीं छोड़ने वाला, मुझे मारता है तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, चल तेरी दुनिया में चलते हैं। याद रखना बहुत पिटोगे अगर वहाँ पे चले जाओ, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा को मारा था वैसे तुझे मारूंगा। मैं नहीं डरता तेरे से, आ जा चल तेरी दुनिया में तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो फिर चलो चलते हैं। तुझे पता नहीं है मैंने 5 साल यहीं पे संन्यास किया था, मेरे पास और तगड़ी पावर्स यहाँ पे है, ये ले और अपने बंदे बुलाएगा मेरे सामने, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस आप देखो यार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़ा भाई, इसने तूफान मचा दिया यार, इसने यहाँ पे 5 साल पूरे संन्यास दिया था, यहाँ पे इसकी पावर्स इसको यहीं से ही मिली थी और यहाँ पे इसको लड़वाने लेके आया है। अबे ये तेरा बच्चा है क्या, मैं इसको भी नहीं छोड़ने वाला, ये बड़ा होके फिर पृथ्वी पे अटैक करेगा। अरे इसकी तो पूरी दुनिया फट गई, मजा आ गया। अरे मेरे अंडे भी मिल गए, इनको लेके सीधा जाता हूँ पृथ्वी पे, वहां पे इनको बड़ा करूंगा। तो गाइस यार यहाँ पे अभी हमारा गॉडज़िला पृथ्वी आ चुका है और यहाँ पे ये इतना ज्यादा तगड़ा लग रहा है, यहाँ पे तो इसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ रही है यार। और ये देख सकते हो इतने सारे जनरल को परेशान करने पर इसने सबको मार दिया भाई, कितना ज्यादा तगड़ा मारा यार सबको। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको अच्छी वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना यार, इसने बहुत ही ज्यादा तगड़ा अपना बदला ले लिया अपने मम्मी पापा का, देख सकते हो और कितना ज्यादा ताकतवर हो गए, अब तो ये पूरी पृथ्वी का अकेला संभाल सकता है पूरी पृथ्वी को। अरे विकी भी यार तो बिल्कुल सही बोल रही है यार। तो गाइस यार जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कैसी लगी वीडियो, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अबे मेरे को बोलना था।